इनकेस अगर ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में मेंस में, तो वहां पर आपने इस केस का जिक्र जरूर करना है, बिकॉज ये केसेज वो केसेज हैं जो अपने आप में लैंडमार्क केसेज हैं, एंड दिस केसेज आर वेरी वेरी मेकिंग दिस केसेज आर मेकिंग वेरी वेरी द कॉन्सेप्ट क्लियर रिगार्डिंग द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कहीं से कोई डाउट नहीं लगेगा आपको कि क्या है। एक चीज और जो मैंने कल बात करी थी उस पे मैं एक बात और आप लोग को ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर मान लो कि फॉर और अगेंस्ट दोनों में केसेज है, मान लो कि कोई ऐसा टॉपिक आपको मिल गया जिसमें कि फॉर में भी मतलब सपोर्ट में भी कुछ ना कुछ केसेज हैं और अगेंस्ट में भी कुछ ना कुछ केसेज हैं, तो वहां क्या करना चाहिए। तो वैसे मामलों में जहां पर दोनों तरह के केसेज आपको मिल रहे हैं वहां पर आपने ये करना चाहिए कि आपके फैक्ट एंड सरकमस्टांसेज में क्या मैच करता है, एज पर द फैक्ट एंड सरकमस्टांसेज ऑफ द केस आपके लिए बेस्ट क्या है, जो बेस्ट है उसी को आपने फॉलो करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू केस लॉ। जो हम लोगों का केस है, इस केस का नाम है डंकन इंडस्ट्रीज, डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, इसका कंप्लीट साइटेशन आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लें, 2000 वॉल्यूम शायद वन है, वॉल्यूम पर थोड़ा डाउट है, SCC 633। ऐसे भी मिल जाएगा, ये फेमस केस है। एक और जो मैं केस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये बहुत फेमस केस है, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है, ये है बामदेव पानीग्रही वर्सेज मनोरमा राज। ये जो केस है वो है AIR 1974 में साइटेड, आंध्र प्रदेश 226। सो दिस टू केसेस वी विल डिस्कस टुडे, और उसके बाद कुछ और पॉइंट्स है वी विल डिस्कस। देखिए सबसे पहले आते हैं डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस पर, बिल्कुल आराम से कूल होकर समझना, क्योंकि ये आपके जो कचड़ा थोड़ा बहुत ही माइंड में होगा कूड़ा उसको भी क्लियर कर लेगा। सो डाउट अगर कोई भी होगा सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें मुद्दा क्या था वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें जो होल एंड सोल इशू था फ्रेंड्स, डंकन इंडस्ट्रीज, तो आपको ये खुद ही पता चल रहा हो कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि देयर वॉज ए कंपनी, एक कंपनी थी, डंकन की बात कर रहा हूँ, डंकन केस। ठीक है, इसमें क्या था कि एक कंपनी थी और वो कंपनी जो है फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी थी, एक कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर बनाती थी। सो फर्टिलाइजर जो कंपनी थी, इस फर्टिलाइजर कंपनी ने अपने बिजनेस को ट्रांसफर करने के लिए अग्रीमेंट किया, तो देयर वॉज एन अग्रीमेंट टू ट्रांसफर द बिजनेस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड मशीनरी। सो प्लांट्स एंड मशीनरी दोनों को इसने ट्रांसफर करने के लिए अग्रीमेंट तैयार किया। नाउ अब ये इशू मुद्दा सीधा सीधा कोर्ट के पास में आता हूं। कोर्ट के पास सबसे पहला मुद्दा ये था कि जो प्लांट्स और मशीनरी को ट्रांसफर करने की बात होती है, वेदर द प्लांट्स एंड मशीनरी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लांट और मशीनरी जो बात हो रही थी, सो व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी, वेदर दिस प्लांट्स एंड मशीनरी आर मूवेबल इन कैरेक्टर और दे आर इमूवेबल इन कैरेक्टर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लांट्स और मशीनरी क्या थे, वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। बिफोर दैट मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर जो पार्टीज थी, पार्टीज ने आपस में ये बैठ के एक तरीके से फिक्स कर लिया था, या पार्टीज ने इस बात को मान लिया था कि प्लांट एंड मशीनरी आर कैरेक्टर जो होगा इसका मूवेबल एज पर द पार्टीज। पार्टीज ने यह फिक्स कर दिया था कि प्लांट और मशीनरी का जो कैरेक्टर होगा वो मूवेबल होगा। सो प्लांट और मशीनरी में थे क्या, प्लांट और मशीनरी में थे फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसके अलावा थे मार्केटिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर, इसके अलावा
अमोनिया 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 के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसके अलावा पावर प्लांट, पावर की जरूरत तो पड़ेगी ही, इसके अलावा व्हीकल, फर्नीचर, एयर कंडीशन डिवाइस, पाइपलाइंस, बहुत सारी चीजें जो थी जो कि यहाँ पर प्लांट और मशीनरी के बारे में डिटेल से बता रही हैं। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये आता है कि प्लांट और मशीनरी वेदर दे आर मूवेबल और दे आर इमूवेबल। नाउ अब मैं एक बात बता दूं यहां पर कि जो मशीनरी थी फर्टिलाइजर करने के लिए, यानी जो मशीन फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करती थी, जो फर्टिलाइजर बनाती थी, दैट मशीन वाज परमानेंटली, ध्यान देना, परमानेंटली इम्बेडेड थी, दैट वाज परमानेंटली इम्बेडेड इन द अर्थ फॉर रनिंग द फर्टिलाइजर फैक्ट्री। सो फर्टिलाइजर फैक्ट्री को रन करने के लिए एक मशीन आई और उस मशीन को परमानेंटली इम्बेड कर दिया गया था जमीन के साथ, अर्थ के साथ। नाउ जब ये मशीनों को जमीन के साथ अर्थ के साथ इम्बेड कर दिया गया, तो इसका मतलब ये निकाला गया कि ओनर का इंटेंशन टू यूज दीज मशीन्स परमानेंटली। सो ओनर का इंटेंशन ये है कि उस मशीन का इस्तेमाल परमानेंटली किया जाए, क्योंकि उसने क्या किया था, इन मशीनों को इम्बेड करके अर्थ में इम्बेड करके फिक्स कर दिया था परमानेंटली। नाउ एक बात यहां पर आगे और समझ लेते हैं कि यहां पर जो मशीनों का इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस था इन लोगों का, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इन मशीनों को या तो अर्थ के साथ इम्बेड कर दिया गया था या अर्थ के साथ कहीं ना कहीं ये अटैच्ड थे। सो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया होगा, कोर्ट ने सीधा कहा कि दीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। कोर्ट ने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्यों कहा, आपका केस बड़ा क्लियर है, डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड केस। फर्टिलाइजर की कंपनी थी, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करती थी, इसको ट्रांसफर करना था, ट्रांसफर करने में जब डिस्प्यूट अराइज हुआ, मैटर केम बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट में इस बात का डिसीजन होना था कि प्लांट और मशीनरी जो अटैच है अर्थ के साथ, वेदर दे आर मूवेबल इन नेचर और वेदर दे आर इमूवेबल इन नेचर, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी। कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व करा कि जो प्लांट्स हैं, जो मशीनरी हैं, वो सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे इम्बेडेड थे अर्थ में। सो कोर्ट ने वहां से इंटेंशन, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, व्हाट द वर्ड आई एम यूजिंग, इंटेंशन, कोर्ट ने ओनर का यानी फर्टिलाइजर कंपनी के ओनर का, फैक्ट्री के ओनर का इंटेंशन फाइंड आउट कर लिया कि सिंस, देखो सीधी सी बात है, ये बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको दीवार में कोई कील ठोकनी है परमानेंटली, तो बहुत मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आप उसको खूब ठोकते रहोगे तब तक ठोकते रहोगे जब तक कि वो परमानेंटली फिक्स ना हो जाए, हिले डुले ना, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका इंटेंशन जब कील ठोकने की होती है, कील लगाने की होती है, तो आप क्या करते हो, एकदम परमानेंटली एक तरीके से फिक्स कर देते हो। कोई भारी चीज लटकानी होगी तो बकायदा बहुत शिद्दत के साथ आप उसको कील को लगाओगे, कील को ठोक दोगे दीवार में। लेकिन जब नहीं होता है तो चलो हल्का फुल्का एक वॉल टांग, एक क्लॉक डालनी है या घड़ी डालनी है, तो उस कंडीशन में क्या करते हो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा भी लगाया तो हो गया, जितने में कि घड़ी का लोड वो उठा सके। सो सिमिलरली यहां भी कोर्ट ने ओनर का इंटेंशन फाइंड आउट किया, बिकॉज ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट और मशीनरी थे ऑल वर इम्बेडेड इन द अर्थ, चाहे पावर प्लांट था, चाहे यूरिया जनरेट करने वाला, यूरिया प्रोड्यूस करने वाला प्लांट था, चाहे अमोनिया बनाने वाला प्लांट था, सारे के सारे। तो कोर्ट ने इसी पर से फाइंड आउट कर लिया कि प्रॉपर्टी का सारा जो कैरेक्टर निकलता है फैक्ट्री के ओनर के हिसाब से, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसीलिए जब कोई हम इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को डिक्लेयर कर देते हैं, तो सिर्फ फिजिकल डिलीवरी ऑफ पजेशन देने से काम नहीं चलता है,
वंस वी हैव डिक्लेयर्ड दैट इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए राइटिंग चाहिए, इन राइटिंग अटेस्टेशन चाहिए, उसके अलावा डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अगर देयर इज नो राइटिंग, देयर इज नो अटेस्टेशन, देयर इज नो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, इन दैट कंडीशन इट डज नॉट कन्वे द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वे नहीं कर सकता है। याद करना सेक्शन 5 में कन्वे का मतलब क्या बताया था, ट्रांसफर का मतलब क्या है। लेकिन एक बात और भी है, डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस से इस बात पर आप अश्योर्ड मत हो जाना, इस बात को हमेशा ये पत्थर की लकीर बना के नहीं बैठ जाना कि हर एक मामले में, इन ऑल केसेस वेयर द मशीनरीज, वेयर द प्लांट्स इज अटैच्ड टू द अर्थ, इन ऑल दोज केसेस वेयर द मशीनरीज इज एम्बेडेड टू द अर्थ, देन इट वुड बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट वुड बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये आपने एकदम एक ब्रह्मा की लकीर, पत्थर की लकीर नहीं बना लेनी है, ब्रह्म वाक्य नहीं बना लेना है कि अगर इम्बेडेड होगा तो उसको हम कह देंगे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मीनिंग देयर बाय किसी भी प्रॉपर्टी का मूवेबल होना, किसी भी प्रॉपर्टी का इमूवेबल होना, वेदर एनी प्रॉपर्टी इज मूवेबल और वेदर एनी प्रॉपर्टी इज इमूवेबल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ ईच केस। ये डंकन के केस में ही कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि ये आप इस चीज को पकड़ के मत चलना कि यहां पर जो मामला है वो सब जगह एप्लीकेबल होगा। इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड each case on the basis of facts and circumstances of the case। तो यहां पर सबसे important point एक बात कही है Supreme Court ने, एक और इसी के साथ एक attach होता है, छोटा सा case है Duncan के साथ, वो मैं जिक्र कर दे रहा हूं। case का नाम है Sirpur Paper Mills, Sirpur Paper Mills versus CCE, ये केस है 1998 का और वॉल्यूम 1 SCC 400। सिरपुर पेपर मिल्स वर्सेस CCE 1998 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 400। व्हाट हैपेंड इन दिस केस, कोर्ट ने कहा वेयर मशीनरी इज अटैच्ड, वेयर मशीनरी इज अटैच्ड टू द अर्थ, जहां कोई प्लांट और मशीनरी अटैच है अर्थ के साथ, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हमने उसको इसीलिए अटैच कर दिया है, उसको हमने इसीलिए एम्बेड कर दिया है मशीनों को, ताकि वो मशीनें प्रॉपरली फंक्शन कर सके, वो प्रॉपरली काम कर सके, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इनको उनकी ऑफिशियल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने उसको अटैच कर दिया है, हमने उसको इम्बेड कर दिया है। लेकिन ऑफिशियल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अटैच किया है, लेकिन इफ इट इज पॉसिबल कि हम उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं, यहां से वहां उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में वो इवन दो एम्बेडेड है, इवन दो वो अटैच्ड टू द अर्थ है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का नेचर मूवेबल होगा, उस प्रॉपर्टी का नेचर मूवेबल होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? इफ एनी डाउट देन जल्दी से यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन आस्क योर डाउट्स। इसमें तो सर उन्होंने नेचर ऑलरेडी पहले ही बता दिया था ना कि वो परमानेंट। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा करीब से थोड़ा फास्ट पेज कर दीजिए तो सर। हाँ जी बोलिए। डंकन वाले जो केस में जो है उन्होंने तो परमानेंट बता ही दिया है, तो जब सर जब भी अगर कोई भी इमूवेबल मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है जो परमानेंटली अटैच्ड है तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि वो इमूवेबल होगी। ठीक है, परमानेंटली अटैच्ड है तो वो इमूवेबल है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने पकड़ा। लेकिन उसके साथ एक बात मैं ये कह रहा हूँ
कि इन केस अगर उस प्रॉपर्टी को इजीली हटा के रिमूव किया जा सकता है। देखिए अटैच टू द अर्थ का मतलब है और एम्बेडेड टू द अर्थ का मतलब क्या है, अगर मान लो किसी चीज को हमने परमानेंटली फिक्स कर दिया, जैसे हम पाइलिंग करते हैं जमीन के अंदर, तो पाइलिंग करते हैं तो उसको हटाया नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी इजीली रिमूव किया, आज यहाँ पाइलिंग करी और उसको उखाड़ के कर लेके चले जाएंगे, नो। लेकिन हमने एक पाइलिंग करी, पाइलिंग के ऊपर एक स्लेव डाला, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, ये पाइलिंग है जमीन के ऊपर, यहाँ एक छोटी सी यहां से स्लेव डाली और इस स्लेव के ऊपर हमने एक मशीन रखी, पावर प्लांट हो सकता है, छोटा पावर प्लांट हो सकता है, और यहां नट बोल्ट से कस दिया, सब तरफ से नट बोल्ट से इसको कस दिया। नाउ जो मशीन रखी गई है, अगर इस मशीन को हम इजिली यहां से यहां यहां से यहां मूव कर सकते हैं, अगर ये व्हील्स के ऊपर है, मान लो आज के डेट में मशीनें भारी भारी आ रही हैं, तो वो व्हील्स के ऊपर है, वो चक्के के ऊपर है, अगर वो व्हील्स के ऊपर है और उसको इजिली इधर से उधर रिमूव किया जा सकता है किसी भी डायरेक्शन में, देन इन दैट कंडीशन इट वुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखो दिमाग बहुत बहुत सिंपल कहना चाह रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है ना, डंकन का केस 2000 का केस है और ये शिरपुर का जो केस है वो 1998 का केस है, यानी 1998 का शिरपुर का केस है और डंकन का 2000 का केस है, तो बिल्कुल अपने अपने कॉन्सेप्ट दोनों के क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं होता है। डंकन में एकदम सीधा सा फंडा था कि ओनर का इंटेंशन था प्रॉपर्टी को लंबे समय तक इस्तेमाल करने का, प्रॉपर्टी का इंटेंशन, उसका इंटेंशन था ओनर का कि उसको परमानेंटली फिक्स करके ही इंजॉय करना है, क्योंकि उसके बिना उसका काम चल ही नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, शिरपुर में बस सीधा कहा कि अगर प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है अर्थ से, इवन दो कि अटैच कर दिया जाता है लेकिन उसको मूव किया जा सकता है हियर एंड देयर, तब उस प्रॉपर्टी को हम मूवेबल बोलेंगे, और किसी प्रॉपर्टी को एक बार अटैच करके फिक्स कर दिया गया और वो अब मूव नहीं हो सकता है 99.9% केसेस में, तो उस प्रॉपर्टी का नेचर इमूवेबल होगा। इस चीज को एकदम फिक्स कर लीजिए, एक होता है ना रोज रोज रिमूव करके इधर उधर करना, लेकिन जैसे कुआं होता है, कुआं वेल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है और सबसे इजी एग्जाम्पल है, तो कुएं में हमारे पास घिरनी होती है जिसे इंग्लिश में पुली कहते हैं, तो पुल्ली को हमने अटैच कर दिया, तो रोज इधर से उधर नहीं करते हैं, पुल्ली को एक जगह फिक्स कर देते हैं और उसी पर हम रस्सी डालते हैं और उसी से हम लोग पानी भरते हैं, सो दैट इज द पॉइंट, यानी कि पुल्ली को हमने फिक्स कर दिया, रोज इधर से उधर हटाने का इंटेंशन नहीं है, यानी जब तक या तो पुल्ली का साइज खत्म ना हो जाए, पुल्ली अपने आप में खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, तब तक हम पुल्ली को नहीं निकालते, मीनिंग देयर बाय उसके टिल लास्ट लाइफ तक, जब तक कि पुल्ली की लास्ट लाइफ नहीं खत्म होती है तब तक हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सो इंटेंशन क्या हो गया, अचल संपत्ति के जैसा उसका इंटेंशन हो गया, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के जैसा इंटेंशन हो गया। सो आई होप सो कि क्लियर है एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट, और यहां पर जब कभी भी ध्यान से समझना, जब कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं तो ज्यादा माइंड अप्लाई नहीं करना है, बस प्रॉपर्टी देखनी है, प्रॉपर्टी, जैसे यहां पर मैंने प्लांट और मशीनरी बताई, तो प्लांट और मशीनरी किस कदर की थी, जैसे आज की डेट में जो जनरेटर्स आते हैं, आप लोगों को पता ना डीजल जनरेटर्स आते हैं, बड़े हैवी आने लगे हैं आजकल 20 किलोवाट, जो मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अपार्टमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यानी बिजली नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस कंडीशन में 10 घंटे 8 घंटे का जो हम लोग जैसे इन्वर्टर छोटा होता है, बैटरी इन्वर्टर और जो होते हैं छोटे होते हैं, उनका अपना जनरेटर, तब बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, तो क्या उनको डेली इधर से उधर मूव करते हैं हम? नो सर, उसको ला करके एक बार फिक्स कर, इवन दो कि वो कंपनी बनाती है, उसको कंपनी डिलीवरी भी करती है, कंपनी उसको किर्लोस्कर जैसी कंपनियां हैं और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो बनाती हैं, बनाने के बाद उसको क्या करती हैं, डिलीवरी भी करती हैं, डिलीवरी करने के बाद उसे हम घर में रखते भी हैं, लेकिन अगर उसका इंटेंशन हमने नट बोल्ट के साथ फिक्स कर दिया कि जब तक उसकी सांस है तब तक इस्तेमाल करना ही करना है उस कंडीशन में, और नहीं तो फिर वो मूवेबल है। ठीक है, तो ये एक केस था, अब आते हैं दूसरे केस पर, बामदेव पानी ग्रह, ये और इससे भी इंटरेस्टिंग केस है, बड़ा मजेदार है, और मैंने पहले ही बता रखा है मूवेबल इमूवेबल क्यों पढ़ना है, मूवेबल इमूवेबल क्यों समझना है, व्हाई वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी, भैया रीजनिंग सीधा है लिमिटेशन पीरियड के लिए, केस को मेरिट पर डिसाइड करने के लिए, सिंपल,
अगर इसी केस में अगर कोर्ट ने कह दिया होता डंकन इंडस्ट्रीज के केस में कि ये प्रॉपर्टी इमूवेबल है, तो इससे निकलने वाला बेनिफिट्स यानी प्रॉफिट्स पेंड्री, इससे मिलने वाले सारे राइट्स सब कुछ इमूवेबल हो जाते। एंड वंस द प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन वी हैव अ लिमिटेशन पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 12 इयर्स टू फाइल अ सूट बिफोर द कोर्ट। हमारे पास 12 इयर्स हो जाते हैं, वी हैव 12 इयर्स टू फाइल अ सूट, बट वंस द प्रॉपर्टी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक बार प्रॉपर्टी को आपने मूवेबल डिक्लेयर कर दिया, यू हैव ओनली 3 इयर्स लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग द सूट। और गलती से आपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं फाइल किया रीजनिंग के साथ, तो आपका सूट रद्दी की टोकरी में। इसीलिए बहुत बारीकी से आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एज ए वकील, एज एडवोकेट, एज ए पार्टी, कि मैं जिसके लिए सूट फाइल कर रहा हूं उस सूट का, उस प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है। ठीक है, आपने डिसाइड करना है लेकिन विथ लॉ करना है, विथ एप्लीकेशन ऑफ लॉ करना है। ये बामद